नमस्कार। संजय सनम का आज के इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों का प्यार भरा अभिनंदन। दोस्तों, आज मैं एक बात कर रहा हूं कि तमिलनाडु में जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम घूमा है, उसने किस्मत का कनेक्शन बता दिया। किस्मत किसे कहते हैं, तकदीर किसे कहते हैं, मुकद्दर किसे कहते हैं, ये जो गंभीर बात है, ये इस सियासत के घटनाक्रम में साफ उभर करके आई है। हम अक्सर कहते हैं कि तकदीर वाकई में बहुत कुछ होती है, किस्मत के बिना कुछ नहीं होता। कभी कभी हम ये भी कहते हैं कि कर्म भी जो हम करते हैं, पुरुषार्थ भी जो हम करते हैं, वो भी किस्मत हमसे करवाती है। जो चीज, जो घटना जहां जैसे होनी होती है, वो वहां पर ला करके हमको खड़ा कर देती है। तब एक सवाल उठता है कि क्या आदमी के हाथ में पुरुषार्थ कुछ भी नहीं है? कुछ अर्थ में पुरुषार्थ होता है, क्योंकि जेन जो थ्योरी है उसमें एक बात कही जाती है, संचित कर्म और निकाचित कर्म। कुछ कर्म का भुगतान हमको एज इट इज करना पड़ता है, उनको हम चाहे कितनी पूजा कर लें, कितने ही जप कर लें, कितना ही क्रियाकर्म, दान पुण्य कितने भी कर लें, वो कर्म चेंज नहीं होते, उनका फल हमको भुगतना पड़ता है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनको पुरुषार्थ के द्वारा और कुछ क्रियाओं के द्वारा उनमें परिवर्तन किया जा सकता है। हम बात कर रहे हैं किस्मत की। कभी कभी लोग कहते हैं कि किस्मत कुछ भी नहीं होती। इस दुनिया में सब तरह के सिद्धांत हैं। कुछ लोग भाग्य को मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। लेकिन जो नहीं मानते, कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है, तब वो सोचने को विवश हो जाते हैं कि किस तरह से घटनाक्रम इतनी तेजी से बदलता है कि जिसे सिंहासन का ताज मिलना होता था, मिलना चाहिए था, जो सिंहासन के ताज की तरफ आगे बढ़ रहा था, उसे सिंहासन का ताज नहीं मिला, बल्कि उसे कारावास, जेल मिल गई। कितना अंतर है, एक तरफ ताज और दूसरी तरफ बंदी का जीवन, कारावास। उसी तरह देखिए कि दो लड़ रहे थे, शशिकला लड़ रही थी और पनीर सेलम शायद नाम है, इन दोनों के बीच में जंग हुई थी मुख्यमंत्री के पद को लेकर के। दोनों ही नहीं बने, शशिकला कारावास में चली गई और पनीर सेलम के पास उचित मात्रा में बहुमत नहीं था। और जो तीसरा बना, वो दूर दूर तक मुख्यमंत्री की कुर्सी का दावेदार नहीं था, जिसका कभी नाम नहीं आया कि इसे मुख्यमंत्री बनाया भी जा सकता है क्या। सिर्फ शशिकला का विश्वास पात्र था, जिस तरह से पनीर सेलम जयललिता के विश्वास पात्र थे। और जयललिता जब बीमार पड़ी थी, जब जब बीमार पड़ी या जेल गई, तब तब उन्होंने अपने विश्वास पात्र को अपनी गद्दी में बिठाया। और यही हाल यहां पे हुआ कि जो प्रमुख दो दावेदार सत्ता की कुर्सी के, सिंहासन के ताज के, और दोनों ही सिंहासन से दूर हो गए। एक की हालत तो बहुत बदतर हुई कि उन्हें कारावास मिला, और दूसरे की हालत ऐसी हुई कि उनके पास उपयुक्त संख्या नहीं थी, इसलिए वो बाहर रह गए सिंहासन की दौड़ से। तो दोस्तों, ये है किस्मत कनेक्शन, और हमें ये मानना पड़ता है जीवन में कई घटनाओं से। कई बार हम देखते हैं कि एकदम मंजिल के पास आकर के भी मंजिल हमारे हाथ से निकल जाती है, और कई बार हम देखते हैं कि जिसके लिए सोचा नहीं था,
जिसको पाने के लिए सोचा नहीं था और कोई प्रयत्न नहीं किया था, वो उपहार के रूप में आपको मिल जाती है। ये तकदीर है, ये मुकद्दर है, ये ग्रह सितारे हैं, ये सब सच है। और इन सच के साथ जुड़ी है एक विशेष बात कि ये है हमारे कर्मों के फल। हमने जो पास्ट लाइफ में जो कर्म किए, जो हम करते आ रहे हैं, इस लाइफ में भी जो हमारे चल रहे हैं, ये कर्म ही हमारे भाग्य का प्रारूप बनते हैं और उसी के आधार पर हमारा जीवन तय होता है। कई बार हम देखते हैं, लोग मुझसे पूछते भी हैं कि ऐसे लोग जो इस जन्म में अच्छे कर्म करते नहीं देखे गए, नहीं देखे जा रहे, बल्कि गलत काम करते देखे जा रहे हैं, उनके पास पैसा है, उनके पास रुतबा है, और उसका वो दुरुपयोग करके लोगों को दबाने का, या उनके रुपए नहीं देने का, या कुछ ऐसे अनैतिक काम, ऐसे गलत काम वो करते जा रहे हैं, और उसके बावजूद वे धनी हैं, वे समाज में ऊपरी तौर पर प्रतिष्ठित हैं। मतलब उनके मुंह के सामने सब उनकी जय जयकार करते हैं, पीठ पीछे तो सोचते ही हैं कि व्यक्ति अच्छा नहीं है, लेकिन एक सामाजिक स्थिति ऊपरी तौर पर प्रतिष्ठित है, जबकि काम गलत से गलत कर रहे हैं। तब ये सवाल हो सकता है कि जब कर्म फल निश्चित है, तब उनके कर्मों का फल उनको क्यों नहीं मिल रहा। ऐसा ही एक सवाल कि कोई व्यक्ति बहुत नैतिक है, बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत ईमानदार है, बहुत सात्विक है, बहुत परोपकारी है, उसूलों पे चलने वाला है, सिद्धांतों के लिए अडिग रहने वाला है, इस तरह से वो व्यक्ति अपने जीवन यात्रा का एक साधक है, लेकिन वो व्यक्ति आर्थिक विपन्नता से जूझ रहा है। उस व्यक्ति के जीवन पथ पर कई तरह की कठिनाइयां हैं। ये अलग बात है कि वो अपने उसूलों पे चलता है, वो प्रलोभन को स्वीकार नहीं करता, उसके सामने सत्य सबसे पहले है, उसके सामने नैतिकता सबसे पहले है। वो व्यक्ति जो इतना सात्विक है, वो व्यक्ति जो इतना पुरुषार्थी है, जो उसूलों के साथ चलता है, जो ईश्वर से डरता है, उस व्यक्ति का जीवन फिर कठिनाइयों और कांटों से भरा क्यों? सवाल जायज है कि अगर कर्म फल है तो जो व्यक्ति अच्छा कर्म कर रहा है उसको तमाम सुख सुविधाएं, वैभव और पद प्रतिष्ठा, इन सब का लाभ मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिल रहा? बंधुओं, जितना मैंने अध्ययन किया है और ज्ञानी लोगों से सुनने को मिला है, वो बात मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। आप सहमत हो या ना हो, ये आपकी मर्जी है, लेकिन जब हम किसी विषय पर बात करते हैं तो एक संवाद के रूप में अपने विचार आते जाते रहते हैं। मेरा भी ये मानना है कि कर्म फल तो निश्चित है, लेकिन कर्मों का भुगतान कब कैसे होगा इसका हमें पता नहीं है। अभी जो व्यक्ति गलत काम कर रहा है और अगर वो सुखी है, तो इसका मतलब ये जानिए कि पास्ट लाइफ में, पूर्व जन्म में, उस व्यक्ति ने कुछ बहुत अच्छे कर्म किए थे और उनका जो पुण्य है, वो जो कर्मों का जो पुण्य उसके खाते में जमा पड़ा है, क्रेडिट उसके पास है। तो जब तक वो पुण्य उसके खाते में जमा पड़ा है, तब तक वो चाहे कितना भी पाप क्यों ना कर ले, उसके जीवन में तकलीफ नहीं आएगी। और जैसे ही वो पुण्य खत्म होंगे और इधर के उसके पाप के कर्मों की तलपट शुरू हो जाएगी, तब उसके जीवन में कभी
सुकून और शांति नहीं आएगी। ये कर्मों का वास्तविक जो विवरण है वो पुस्तकों में भी लिखा है और ज्ञानी लोग भी ये कहते हैं और ये दिल में उतरने वाला भी है। उसी तरह की आप चिंतन कर लेंगे जिस व्यक्ति की हम बात कर रहे थे कि बहुत अच्छा है, नैतिक है, सदाचारी है, पुरुषार्थी है, परोपकारी है, सात्विक है, साधक है, जिसमें तमाम तरह के अच्छे गुण है, वो व्यक्ति तकलीफ क्यों पा रहा है? इसकी वजह पूर्व जन्म के उसके कुछ लेन देन बाकी है, उसके कुछ ऐसे कर्म का फल बाकी है जो पाप के रूप में उसके क्रेडिट में पड़े हैं और वो खर्च हो जाने के बाद, वो खत्म हो जाने के बाद, उनका भुगतान हो जाने के बाद जो अभी के उसके अच्छे कर्म हैं, जब वो खाता खुलेगा तब से इस व्यक्ति का जीवन बदल जाएगा। ज्योतिष में जब हम किसी की लाइफ का प्रेडिक्शन करते हैं तो आमतौर पर एक शब्द आता है गोल्डन पीरियड, मतलब लाइफ में गोल्डन पीरियड हर व्यक्ति खोजता है। गोल्डन पीरियड का मतलब उत्कर्ष का वक्त, जब वो एक तरफा आगे बढ़े, उस वक्त उसे पद, सम्मान, प्रतिष्ठा, धन, गाड़ी घोड़े, अब उसकी तमाम तरह की वैभव की सामग्री, भोग की सामग्री सब कुछ उसके पास उपलब्ध रहे, गोल्डन पीरियड। मुझे लगता है ये गोल्डन पीरियड भी ज्योतिष में ग्रहों के आधार पर आता है और वो ग्रह तभी उस वक्त आते हैं जब वो संघर्ष के पीरियड के कर्म का फल पूरा हो जाता है, उनका भुगतान पूरा हो जाता है, तब वो गोल्डन पीरियड आता है। हम अक्सर बात करते देखते हैं, हम किसी की भी चर्चा भी करते हैं, हाँ अभी उसका गोल्डन पीरियड चल रहा है। और ये पीरियड जब चलता है ना तो एक तरफा चलता है, मतलब उस पीरियड में वो व्यक्ति जो काम कर रहा है उससे वो कमा रहा है, उसी क्षेत्र में जो दूसरे व्यक्ति काम कर रहे हैं वो खो रहे हैं, वो गंवा रहे हैं। इतना आश्चर्यजनक परिणाम, इतना आश्चर्यजनक परिवर्तन कि कभी कभी देखते हैं कि संघर्ष से निकलते निकलते व्यक्ति की स्थिति इतनी दयनीय हो जाती है कि अगर उस व्यक्ति से 2 साल 5 साल बाद कोई मिले तो वो कल्पना नहीं कर सकता कि 2 साल 5 साल पहले जिस व्यक्ति को जिस दयनीय स्थिति में देखा था वो व्यक्ति अचानक इतना धनवान, इतना रोबेला, इतने रुतबे वाला, इतने परिचय क्षेत्र वाला, इतना प्रतिष्ठित कैसे बन गया। दोस्तों मैं बार बार ये कहता हूं कि इंसान बड़ा नहीं है, ये सुना है हमने और मैं उसी बात को दोहराता हूं। मुझे ये बात जो किसी ने भी कही है मुझे बहुत अच्छी लगती है कि इंसान बड़ा नहीं होता, उसका वक्त बड़ा होता है। हम अक्सर देखते हैं योग्य अच्छे लोग संघर्ष करते रहते हैं जबकि सब जानते हैं कि इनकी काबिलियत बहुत जबरदस्त है, लेकिन वो संघर्ष इसलिए करते हैं क्योंकि उस वक्त उनका वक्त साथ नहीं होता। और जिस वक्त उनके साथ में उनका वक्त आ जाता है उस वक्त वो 35-40 वर्ष के संघर्ष का समय एक तरफ और 2-5 साल का गोल्डन पीरियड भी एक तरफ, पूरी जिंदगी बदल जाती है। उस व्यक्ति को फिर लोग पूछने लग जाते हैं और वो व्यक्ति कई बार सोचता है कि मैं तो वही था, मेरे में काबिलियत तो वही थी, लेकिन पिछले वर्षों में लोगों ने मुझे नहीं सुना, नहीं परखा, नहीं कहा, नहीं चाहा, नहीं बुलाया। तब तो मैं किसी भी महफिल की पिछली सीट पर बैठा करता था, कोई पूछता तक नहीं था। और जैसे ही वक्त का पहिया घूमा और वो व्यक्ति अचानक ग्रेट हो गया, इतना महान हो गया कि लोग उसको बुला बुला कर लाने लगे, उसके पास बैठने की कोशिश करने लगे, उसके साथ तस्वीर सेल्फी खिंचाने का लोभ करने लगे, इतना परिवर्तन। ऐसे व्यक्ति भी कई बार सोचते हैं कि हम थे तो वही,
हमने तो कुछ नहीं बदला, लेकिन हाँ वक्त ने अपना मेकअप बदल दिया। और वक्त जब मेकअप बदल देता है तो चेहरे बदल से जाते हैं और जिंदगी बदल जाती है। इसलिए दोस्तों आज का ये वीडियो था कि किस्मत का कनेक्शन, किस्मत वाकई में बहुत बहुत कुछ होती है, बिना किस्मत के कुछ भी नहीं होता। और जब वक्त साथ देता है तब लगता है कि खुदा आप पर हर तरफ से मेहरबान है, और जब वक्त साथ नहीं तो फिर एक दुबला पतला भी आपके सामने अगर खड़ा है वो भी आपके लिए पहलवान है, आप उसको भी नहीं हरा सकते। कभी किसी ने कहा भी है कि वक्त जब साथ नहीं देता तो बदन के कपड़े तक साथ छोड़ जाते हैं। ये वक्त की करामात है। और वक्त जब हाथ दे देता है सर पर, तो जो लोग कभी छोड़ कर गए थे, ठुकरा कर गए थे, वो फिर पैरों पड़ करके गिड़गिड़ाते हैं। ये है वक्त की कला। इसलिए वक्त का मान कीजिए, वक्त का सम्मान कीजिए, क्योंकि सुना है हमने वक्त उनकी कद्र करता है जो वक्त की कद्र करते हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार। कैसा लगा एक नए विषय पर और अचानक मन में आया आपसे संवाद स्थापित करने की इच्छा हो गई और मैंने अपनी बात कह दी। हाँ एक अनुरोध तो जरूर करूंगा, अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लीजिए जनाब, क्यों इंतजार कर रहे हैं। मेरे और आपके बीच का संवाद तो चलना है, तो फिर कहीं खोजना पड़े मुझको, इससे अच्छा है वो बटन दबा दीजिए ताकि मैं खुद आपके पास आ जाऊं, आपको कहीं खोजना न पड़े। और हमारे बीच का जो संवाद है, कभी मैं आपके मन की बात कह जाऊं और आपको लगे कि जो आप कहना चाहते थे वो ये आज ये सनम कह गया, और वो दिन मेरे लिए भी खास होगा जब आपके दिल की बात मैं कह दूंगा। तो रहिएगा मेरे साथ, कुछ ही देर में एक राजनीति से संबंधित, उत्तर प्रदेश की राजनीति से संबंधित भी मैं बात करने वाला हूं। तो बहुत बहुत आभार, नमस्कार, मिलते हैं थोड़ी देर बाद फिर, धन्यवाद।